नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आज हम आरएस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के पॉइंट से इस पैनल पे हाजिर हुए हैं। और हमारे साथ पे राजस्थान की बहुत फेमस शख्सियत, दो शख्सियत से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। इस क्रम में हमारे साथ में सबसे पहले मैं पहले परिचय देना चाहूंगा, फिर आपसे मुलाकात कराना चाहूंगा। हमारे साथ उपस्थित हैं जनाब ललित के पंवार सर, जो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे 2015 से 2017 तक, जिनके कार्यकाल में आरएएस के दो बार सफलतापूर्वक एग्जाम कराए गए, साथ ही साथ उनके दो साल के संक्षिप्त कार्यकाल में 110 एग्जाम सफलतापूर्वक हुए। दोस्तों आरएएस के दो, इसके अलावा बहुत सारे 110 एग्जाम हुए, 45,000 बच्चों के सिलेक्शन हुए। इतने संक्षिप्त कार्यकाल में अपने प्रशासनिक अनुभव के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने आरपीएससी की छवि को एक बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाया, गरिमा में माहौल तक पहुंचाया, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे वर्तमान सीएम जनाब अशोक गहलोत साहब के भी वे लंबे समय तक उनके सेक्रेटरी रहे और काफी लंबा प्रशासनिक अनुभव जो है वो उन्हें केंद्र और राज्य में रहा। मैं आज आपसे उनका मुलाकात, आपकी मुलाकात करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे साथ में उपस्थित है जनाब एके मलिक सर, जो जोधपुर विश्वविद्यालय के माने हुए प्रोफेसर रहे हुए हैं मनोविज्ञान के, तो वो भी हमारे साथ में है, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। और जिन इन दोनों हमारे जो उपस्थित गणमान्य लोग हैं, इन्हें लंबा अनुभव है स्पेशली इंटरव्यूज का, तो आज हमारे सामने उपस्थित है सबसे पहले जनाब ललित के पंवार सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मलिक सर नमस्कार। सर तो हमारे सामने दोनों हमारे महानुभव हाजिर हैं। सबसे पहले मैं ललित के पंवार सर को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा एक छोटे से प्रश्न के साथ में, कि सर मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं आरएएस 2021 वाले एग्जाम के लिए और अभी सेकंड चरण चल रहा है, सर आप आरएएस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम की रेलिवेंसी को, इसकी प्रासंगिकता को सर किस प्रकार से देखते हैं? सर शुक्रिया खान साहब। जी सर, सबसे पहले तो जितने भी उत्कर्ष के विद्यार्थी और आरएएस आईएएस के एस्पिरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और मेरी तरफ से दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो खान साहब ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मेरा ये रहेगा कि आप देखिए, हमारे प्रशासन में जब कभी कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो हम उसकी ड्रेस रिहर्सल करते हैं। राष्ट्रपति महोदय की विजिट है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो पूरा प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी सब मिलके एक ड्रेस रिहर्सल करते हैं। तो ये जो मॉक इंटरव्यू है एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है। तो आपको फिर अगर आपने मॉक इंटरव्यू अटेंड कर लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आपको एक तरह से उसका पूरा अभ्यास हो जाता है कि मुझे किस तरह से एंटर करना है, कैसे उनसे इजाज़त लेके बैठना है, कैसे जवाब देना है और कैसे फिर उनसे एग्जिट लेना है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है और इसका बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज हमारे कैंडिडेट्स को मिलता था, मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखा कि ये एक प्रकार का रिहर्सल है और चूंकि सर का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है तो सर ने बहुत संक्षिप्त में बताया कि जब हम मॉक इंटरव्यूज करते हैं तो बच्चा जब तैयार होकर आता है तो किस प्रकार से उसे आरपीएससी की जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस प्रकार से उपस्थित होना चाहिए, किस प्रकार से बात रखनी चाहिए, उसका एक मॉक रिहर्सल जो है वो पहले हो जाता है, जो उसके आत्मविश्वास को, जो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। सर मैं आपसे ये भी चाहूंगा सर कि हमारे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें करंट अफेयर्स जो है, समसामयिकी जो है, वो कहां से कब तक कैसे तैयार करनी चाहिए? सर इस बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको करंट अफेयर्स कहा जाएगा और किसको करंट अफेयर्स नहीं कहा जाएगा। इसका फंडामेंटल रूल मैं ये मान के चलता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप 100 डेज पकड़ के चलिए, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू से 100 दिन पहले, अच्छा 100 दिन पहले, हाँ ओके सर, उस 100 दिनों में जो जो भी हेडलाइंस हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स की या प्रोमिनेंट मैगजीन्स की, वो हेडलाइंस समझ लिए, ये आपके करंट अफेयर्स हो गए। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये जैसे आर्टिकल 370 है, अब इसको अमेंड किए हुए 3-4 साल हो गए, मगर वो आज भी करंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन आ गया। बिल्कुल। तो कई बार जो करंट अफेयर्स के मसले
मीडिया हेडलाइंस में फिगर कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स, तो मैं इसके रेफरेंस को नॉर्मली 100 डेज मानता हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ रेकनिंग, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 100 दिन पहले चले जाओ। दिस विल बी सेफ। सर, ऐसा माना जा सकता है जैसे वर्तमान में चर्चा में चल रहा है G20 समिट होने वाली है, तो G20 मणिपुर के बारे में चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की है और राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करके जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें एक मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला है उत्कर्ष के हमारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि 100 हेडलाइंस, बस 100 हेडलाइंस। ओके, मतलब प्यारे बच्चों जो आप लोग सुन रहे हैं कम से कम समसामयिक की 100 लाइंस तैयार कर लीजिए जो इन 100 दिनों में चर्चा में रही, और 100% 100 तो चर्चा में रही होगी सर, और वहीं से कहीं ना कहीं बोर्ड प्रश्न पूछेगा। आपको सेंचुरी मारनी तेंदुलकर की तरह। ओके 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 सर। सर हमारे साथ में AK मलिक सर भी हैं, मैं जनाब मलिक सर से पूछना चाहूँगा। सर आपका सर स्वागत है। सर सर साक्षात्कार को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है सर, वो भ्रांतियाँ क्या क्या है और उसका समाधान सर किस प्रकार से किया जाना चाहिए? खान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम रखा जिससे हमारे लाखों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। सबसे पहले मैं उन सभी RS स्टूडेंट्स को जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई करके इंटरव्यू स्टेज पर आए हैं उन सबको बधाई, अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। सबसे बड़ी भ्रांति इंटरव्यू में, जैसा कि पवार साहब बता रहे थे, कि ड्रेस रिहर्सल है। मैं मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते ये मानता हूँ कि सब में इंटेलिजेंस बराबर है, बिना इंटेलिजेंस आप रिटर्न क्वालिफाई करके नहीं आ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इंटरव्यू एक प्रकार का आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है, सिचुएशनल टेस्ट है, जिसमें आपके व्यक्तित्व को देखा जाएगा, और उसमें कुछ हमारे भ्रांतियां होती हैं, कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां क्या हैं, क्या हमें ध्यान देना है, मैं इसकी तरफ आपका बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ड्रेस रिहर्सल जब हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, हम ड्रामा करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो ड्रेस रिहर्सल करते हैं, तो ये एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल है जो बच्चों में विश्वास पैदा करने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है सर। जब एक बच्चा इंटरव्यू देने आता है उसको एंटर कैसे करना है, उसको बैठना कैसे है, जवाब कैसे देने हैं, उसके आंसर्स में क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और उत्कर्ष में जो मॉक इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं उसमें उनका भी सारा फीडबैक देते हैं। जैसे मैं एक सिंपल बात कहूँगा कि बच्चा एंटर करता है, कुर्सी के पास आके खड़ा हो जाता है, तो उसको बैठने के लिए कहते हैं, तो उसको जो भी चेयरमैन होता है बैठने को कहता है, उस समय स्माइलिंग फेस के साथ आप थैंक्स कहिए। मैंने जनरली 90% देखा है कि बच्चों के बैठने का पॉस्चर घुटनों पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, जनरली यही होता है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, और ये कहा जाता है घुटनों पे हाथ रखकर यूं सीधे बैठो, घुटनों पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होगी उस समय आपके थॉट्स का, विचारों का जो आवागमन है वो बाधित होता है, बंद हो जाता है। और यहां पर आपके विचार ही सामने आने हैं, आप रिलैक्स होइए, अपना आराम से यहां पर हाथ रखिए और बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाइए, जिससे कि आपकी बॉडी अगर रिलैक्स रहेगी तो आपके आंसर भी स्वाभाविक रूप से आएंगे। तो पहला तो सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि बैठने की पोजीशन क्या है। दूसरा, बच्चों में भ्रांति क्या होती है कि क्वेश्चन जब पूछते हैं, जिसने क्वेश्चन पूछा वो लगातार उस मेंबर की तरफ देखते रहते हैं। ठीक है, जिसने प्रश्न पूछा उसको देखना है, लेकिन आप इंटरेक्शन कर रहे हो पूरे बोर्ड के साथ, एक पर्सन के साथ नहीं, तो पूरा बोर्ड उसको सुनता है, तो जिसने प्रश्न पूछा है उस पर मैक्सिमम आपको देखना है, और बीच बीच में आपकी नजर हर मेंबर की तरफ रोटेट होनी चाहिए ताकि ये हो कि मैं सबके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं। तीसरी भ्रांति लैंग्वेज की आती है। अक्सर देखा गया कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हम इंग्लिश में जवाब देंगे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, हमारे आंसर अच्छे होंगे। भाषा की भ्रांति के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस भाषा में प्रश्न पूछे उसी भाषा में मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर मेंबर अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा है, अगर अंग्रेजी में कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी में दें। हाँ, सवाल अंग्रेजी में पूछा, मैं अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हूं,
तो बिल्कुल विद ड्यू रिगार्ड्स के लिए कि सर क्या मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूं, बोर्ड में कोई इसको माइंड नहीं करेगा, क्योंकि एज ए आरएस ऑफिसर हमें पब्लिक डीलिंग करनी है जो कि हिंदी भाषी और अपने लोकल भाषा वाले होते हैं, ना कि अंग्रेजी बोलने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए हमारी भाषा बोर्ड इसीलिए हिंदी में सवाल पूछता है, आप हिंदी बोलिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर भ्रांति होती है कि सर बीच में मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मिक्स्ड भाषा में कंफर्टेबल हैं तो बीच में अगर अंग्रेजी का शब्द बोलना तो जरूर बोलिए। कभी कभी क्या होता है, हिंदी के शब्द का हमें प्रॉपर दिमाग में नहीं आता, अंग्रेजी का दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप अपने आप को रोकिए मत, थॉट्स रोको मत। आप मिक्स भाषा भी बोलोगे तो बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड तो यह जानना चाहता है आपके आंसर में क्लैरिटी कितनी है। क्योंकि जब मैं पर्सनैलिटी कह रहा हूं तो पर्सनैलिटी का मतलब आपके लुक्स आपकी ड्रेस से बिल्कुल नहीं है, ठीक है फॉर्मल होनी चाहिए, अच्छा पर्सनैलिटी का मतलब है स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करोगे, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, आपको प्रॉब्लम के सवाल सिचुएशनल दिए जाएंगे उन्हीं से आप बाहर कैसे आते हो, ये सारी चीजें क्योंकि रिटन टेस्ट तो देके आ चुके, इसलिए इसको दीजिए। एक बड़ी भ्रांति बच्चों में ये होती है कि सर हमें प्रश्न नहीं आता तो हम क्या वहां सॉरी बोलते हैं, हमारा इंप्रेशन गलत पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी भी। अगर आपको किसी चीज का उत्तर नहीं आता तो सॉरी कहने में बिल्कुल संकोच मत करिए, बोर्ड को गलत सूचना मत दीजिए। बोर्ड ये माइंड नहीं करता कि आपको आ रहा या नहीं आ रहा, बोर्ड तो ये देखना चाहता है कि आप जो आंसर दे रहे हो वो कितने तार्किक हैं, कितने लॉजिकल हैं, कितने स्पष्ट हैं, क्योंकि वही आपको प्रशासन में करना है। इसलिए अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो सॉरी कहने में भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। साफ कहिए, कोई भी आदमी सर्वगुण नहीं हो सकता, एनसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकता, तो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। आंकड़ों के सवाल में कभी कभी आंकड़े पता हो तो जवाब देना है और आंकड़े नहीं पता हो तो उसको नहीं देना है। एक हंसा भ्रांति बच्चों में क्या होती है, उनको लगता है कि हम ज्यादा बोलेंगे तो शायद नंबर ज्यादा मिलेंगे। उनको बच्चों को हर शब्द को सुनना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ये जो सिविल कोड आया है इसके आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप पक्ष में तो कहिए मैं पक्ष में हूं, कहिए विपक्ष में है तो कहिए विपक्ष में। बच्चा क्या करता है, पक्ष में हूं उसकी पूरी कहानी सुनाने लगता है, उसको एक्सप्लेन करने लगता है, वहीं तक सीमित रहना है, वहीं तक सीमित। अब पक्ष के बाद अगर पूछा जाए क्यों पक्ष में है, तब आपको देना है, क्योंकि 20 मिनट के अंदर आपको अपना बेस्ट आउटपुट बाहर लाकर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं ललित के पवार सर से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सर बच्चों में ये एक बड़ी भ्रांति है या मान लीजिए उनका अनुभव है या चांस है, प्रयास है, अवसर है, क्या है ये कि एक बच्चा जगह जगह पर सर बार बार मॉक इंटरव्यू दे रहा है, क्या सर उसे कितने मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए सर, इस पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा सर। बिल्कुल खान साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं पिछले 3-4 वर्षों में करीब करीब 1000 मॉक इंटरव्यू में कर चुका हूँ। बिल्कुल सर, और मेरा ये मानना है कि मॉक इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम एक और मैक्सिमम 3, मतलब एक से काम चल जाएगा, नहीं तो अधिकतम 3 आप ले लो, इससे ज़्यादा मत करो। क्योंकि हमारी राजस्थानी में मारवाड़ी में कहावत है, घनी दाइयाँ जापो बिगड़े। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आपके पास हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। बिल्कुल 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 सर। तो मेरा अभी सभी उत्कर्ष के जो हमारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हैं UPSC RPSC के लिए, उन सबको ये कहना है, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो मॉक जरूर दें, फिर आपको लगे एक और दे दें, फिर आप सोचने एक और, तो बस 3 से आगे नहीं, हैट्रिक, बस उससे आगे नहीं। 3 से ज़्यादा आप दे रहे हो तो फिर अपना ही काम बिगाड़ रहे हो, फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर आपको अपने बारे में भ्रांतियाँ हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस वो करेगी। तो ड्रेस रिहर्सल भी आर्मी में और सिविल में मिनिमम 1 बार और 2 बार ही होती है, तीसरी बार फिर तो एक्चुअल इवेंट ही आता है। सर मैं एक आपसे जुड़ा हुआ और हमारे से जुड़ा हुआ एक प्रश्न संयुक्त रूप से पूछना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में हमारा उत्कर्ष का RS मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है सर, सैकड़ों विद्यार्थियों ने यहाँ पर मॉक इंटरव्यू दिया है सर, आपने पूरा ये एकदम कैंपस देखा है, ऑफिस देखा है, स्टूडियो देखा है सर, आप हमारे विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सभी विद्यार्थियों को ये अपनी तरफ से गुजारिश करना चाहूँगा कि उत्कर्ष मैं पिछले 2 वर्षों से आ रहा हूँ और
अन्य संस्थाओं में, मैं दिल्ली में सब जगह जाता रहा हूँ और UPSC में भी जाता रहा हूँ, यहाँ जो सिस्टम्स और जो मैनेजमेंट और जो स्टाइल है और जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं, और बच्चों की जिस तरह से फैसिलिटी का ध्यान रखा जाता है। मुझे याद है 7 दिन की वर्कशॉप उत्कर्ष में जब हुई थी, तो मैं 7ों दिन वहीं रहा था। सुबह ठीक 7 बजे हम शुरू करते थे, रात को 7:30-8 बजे, मतलब 11 से 12 घंटे रोजाना हज़ारों बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। तो उत्कर्ष के संस्थापक और हमारे जो चेयरमैन आदरणीय निर्मल गहलोत साहब और उनकी पूरी टीम इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि बड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। सबसे अच्छी बात क्या है उत्कर्ष की, वो एक ह्यूमन टच कि अगर 600-700 बच्चे भी आ गए हैं तो उनको ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट दिया जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर के हॉल में बच्चों को ब्रेकफास्ट करते हुए। अगर कोई बच्चा लेट आ गया है, उसके पास और भी कोई, तो ये जो उत्कर्ष के सीनियर ऑफिसर्स और मैनेजमेंट का और फैकल्टी का जो ह्यूमन टच है वो उत्कर्ष को उत्कृष्ट बनाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जयपुर के अंदर भी पूरे गेस्ट हाउस में पूरी सुविधाएं प्रदान की गई है सर, बच्चों को यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, और इसीलिए जब उत्कर्ष से बुलावा आता है तो मैं सारी अन्य संस्थाओं के बुलावों को एक तरफ करता हूँ, पहले मैं उत्कर्ष में जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए सर। तो आज हमारा ये बच्चों के लिए RAS मॉक इंटरव्यू के लिए एक संदेश था। मैं अब जाते जाते AK मलिक सर से और ललित के पवार से एक एक लाइन में सर से सुनना चाहूंगा कि सर लास्ट में एक सकारात्मक बिंदु इन बच्चों के लिए आप बोलते जाएं ताकि इनका इंटरव्यू बहुत बेहतर तरीके से हो सके। सबसे पहले मलिक सर। देखिए, उत्कर्ष के जैसा कि कहा गया कि यहाँ बॉटम से लेकर निर्मल गहलोत साहब तक हर आदमी का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों का, कितना हम बेनिफिट भला कर सकते हैं ताकि उनके परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट जाए। यहाँ पर जब इंटरव्यू लिया जाता है तो हम केवल इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, इंटरव्यू के बाद बच्चे को 5-7 मिनट डिटेल फीडबैक दिया जाता है। क्योंकि इंटरव्यू में फीडबैक हम क्या देते हैं, क्वेश्चंस में क्लैरिटी क्या है, कहीं एम्बिग्विटी अस्पष्टता तो नहीं आ रही है, उसके उत्तर में कंट्राडिक्शन विरोधाभास तो नहीं है, कोई विरोधाभासी व्यक्तित्व होता है तो ऑफिसर कभी भी काम नहीं कर सकता, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं है, नेगेटिव हो तो कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारा फीडबैक दिया जाता है। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, उत्कर्ष अपना पूरा प्रयास कर रहा है अपने बच्चों का भला, उनका कल्याण करने में, इसलिए मैं ये कहूंगा 2 कदम हम भी चलें और 2 कदम तुम भी चलो। हम अपना प्रयास करें, बच्चे अपना प्रयास करें, दोनों की मेहनत रंग लाएगी तो हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन बेटर। निश्चित रूप से सर, खान साहब मैं हमारे उत्कर्ष के विद्यार्थियों को सबको ये अपनी ओर से दुआएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही कहूँगा कि आप अब्राहम लिंकन साहब के उदाहरण को याद रखें। उन्होंने ज़िंदगी में 16 चुनाव हारे, एक ही चुनाव जीता था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव था। बिल्कुल सर, और वो इतिहास बना के गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप भी जितने भी हमारे कैंडिडेट्स और जो हमारे विद्यार्थी भाई बहन हैं उन सबको मैं भी ये कहूँगा कि आप प्रयास करते रहें, और अगर कोई छोटा मोटा सेटबैक आता है तो उसे हताश ना हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नदियां पार नहीं होती। आप अपना पूरा बेस्ट दें और फिर भगवान पे छोड़ दें। तो उर्दू में एक बहुत अच्छी बात किसी शायर ने कही है, एक ही लाइन की बात कि मेहनत मेरी और रहमत तेरी, 99% आपकी मेहनत है और 1% भगवान और अल्लाह और ईश्वर। सर मैं आपकी इसी आवाज़ में एक 2 लाइन जोड़ते हुए हमारे इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देता हूं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपनी जिद पर अड़ तो सही। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।